सो वेलकम बैक टू दी चैनल गाइज। दोस्तों हम नए ड्राइवर हो या पुराने ड्राइवर हो, इनिशियल लेवल पे हम जो चीज़ सीखते जाते हैं तो वही चीज़ हम आगे एडवांस लेवल तक उसको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, चाहे वो गलती हो या फिर जो अच्छा काम हो। गाड़ी को लेकर के मैक्सिमम लोग उन गलती करते हैं जो इनिशियल लेवल पे सीखते हैं और वो एडवांस लेवल तक उसको करते हैं, और फ्यूचर में जा करके उन्हें लॉन्ग टाइम में गाड़ी के साथ उन्हें बड़ा खर्चा फेस करना पड़ता है, चाहे वो इंजन से रिलेटेड हो या फिर गेयरबॉक्स से रिलेटेड हो। आज के वीडियो में हम वही गलती के बारे में बात करेंगे जिस गलती को हमको अवॉइड करना है ताकि हमें लॉन्ग टाइम में प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या वो गलती है और कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों इनिशियल लेवल पे हम लोग क्या सीखते हैं, गियर याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप गियर के ऊपर हाथ रखो। मैक्सिमम लोगों मैंने देखा है जो ये चीज़ समझते हैं या फिर फील करते हैं कि हम गियर नॉब पे हाथ रखेंगे तो हमको याद रहेगा कि कौन से गियर में गाड़ी चल रही है इनिशियल लेवल पे, तो एडवांस लेवल तक भी उस चीज़ को लेकर के जाते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा क्यों गलती है मैं क्यों बोल रहा हूँ वो चीज़ समझिए। अगर आपकी गाड़ी रनिंग कंडीशन में, मान लीजिए सेकंड गियर में या फिर थर्ड गियर में गाड़ी चल रही है और गियर नॉब पे आप हाथ होल्ड करके रखते हो तो होता क्या है, गियर लीवर पे वेट आता है और वो वेट जाता है सीधा आपके गियर सिलेक्टर पर। जो गियर सिलेक्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो आपके जो रनिंग गियर्स होते हैं जो गियर बॉक्स के अंदर होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो टच रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो गियर सिलेक्टर के जो टीथ होते हैं वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये शॉर्ट टाइम में आपको ये चीज़ पता नहीं पड़ती, ये चीज़ें आपको पता पड़ती है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में आपका गियर सिलेक्टर ख़राब हो सकता है, गियर बॉक्स के जो टीथ्स होते हैं वो घिसा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब भी कोई बंदा जो काफ़ी टाइम से चला रहा है, नया ड्राइवर है, गियर चेंज करता है, फर्स्ट गियर में लाता है तो एकदम से घर से आवाज़ आती है। वो इसी रीज़न से आती है कि वो हो सकता है काफ़ी टाइम से अपने गियर लीवर पे हाथ होल्ड करके गाड़ी चलाता। तो दोस्तों इस चीज़ को हमको इग्नोर करना है। गाड़ी चलाते टाइम गियर लीवर पर हाथ रख के गाड़ी चलाते हो तो लॉन्ग टाइम में आपका बड़ा खर्चा हो सकता है। इस चीज़ को इग्नोर करना सीखो, इसको अवॉइड करना सीखो। इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में उसकी लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा कि किस तरह से आप गियर याद रख सकते हो। अगर दोस्तों आप भी गियर लीवर पर हाथ रख के गाड़ी चलाते हो तो इस चीज़ को अवॉइड करो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, समझ में आई होगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो भी ये गलती करते हैं तो। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।